काम काम काम, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक काम ही काम। महाराज को मैंने कहा भी था दो तीन बंदे स्टाफ में रख ले ताकि मेरे काम में आसानी हो सके, पर वो है कि सुनते ही नहीं। चित्रगुप्त महाराज की जय हो। महाराज इन फाइलों को कहाँ रखे? अरे मेरे सर पर रख दो। जो आज्ञा महाराज। अरे कमबख्त को जाकर मेरे केबिन में रखो। जो आज्ञा महाराज। यम है हम, हम है यम, तो क्या है गम? महाराज की जय हो। चित्रगुप्त क्या हाल रखा तुमने अपना? महाराज बस क्या बताऊं, पूछिए ही मत। ठीक है मैं। अरे नहीं नहीं पूछिए पूछिए। अरे महाराज सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक मैं काम ही करता रहता हूँ। मेरा भी घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, मुझे भी एक दिन की छुट्टी चाहिए, पर आप बोलते ही नहीं। छुट्टी? अगर तुम छुट्टी पर चले गए तो पीछे से काम कौन करेगा? एक बात बताओ, कहीं एक साल पहले तो बिल्कुल फ्री रहा करते थे, मक्खिया मारा करते थे, पर लेकिन आजकल इतना काम कहाँ से आने पड़ा? अरे महाराज बस क्या बताऊँ, पूछे ही मत। नहीं पूछते? अरे नहीं पूछिए। आपको तो पता ही होगा धरती पर मनुष्यों ने पर्यावरण का विनाश कर दिया है। वे पेड़ों को काट रहे हैं, स्वच्छ नदियों को दूषित कर रहे हैं एवं जंगलों का भी सफाया कर रहे हैं, जिसके कारण कई भयंकर बीमारियां फैल रही हैं और मनुष्यों की मृत्यु हो रही है और उनकी आत्माएं ऊपर आ रही हैं और मेरा काम पड़ रहा है। चित्रगुप्त जी तो बड़ी गंभीर समस्या है, हमें तो जल्द से जल्द समाधान निकालना ही होगा। जी महाराज मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अगर आप समाधान नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में आपकी कुर्सी चली जाएगी और आपको तो पता ही है विपक्षी दल आपकी कुर्सी पे आग लगाए बैठे हैं। इंद्रनाथ हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम अपनी कुर्सी अपने हाथों से नहीं जाने देंगे, हम इसी क्षण इसी समय धरती के ऊपर जाके इस समस्या का समाधान निकालेंगे। चलिए लेकिन आप जाएंगे? अरे महाराज आप स्वयं यमराज हैं, आप तो मंडल भी जा सकते हैं, आप घूम भी जा सकते हैं। अरे महाराज मैं पीछे से आपकी धोती पकड़ूंगा। जाओ हमने तुम्हें माफ किया, चलिए अगली जगह पे चले। आज से
चड्डा ठेकेदार वचन लेता है कि आज से ये पेड़ काटने का नहीं पेड़ लगाने का ठेका लेगा। ठेकेदार साहब, अगर आपने पेड़ लगाने का ठेका ले लिया तो हम तो भूखे मर जाएंगे। अरे मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, उससे ही बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। जितने पेड़ लगाओगे उसके हिसाब से पैसा दूंगा। चलो शाबाश, लग जाओ काम पे। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, क्योंकि अगर हम यूं ही नदियों को दूषित करते रहेंगे, अपने पेड़ों आसपास के पेड़ों को काटते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमें नसीब नहीं होगा वो स्वच्छ पानी और वो स्वच्छ प्राणवायु। तो संभल जाइए। अरे मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आप जानते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा क्यों बढ़ जाती है वातावरण में, तापमान क्यों बढ़ जाता है? इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का तो मुख्य कारण ही यही है, तो इसलिए पेड़ों को काटना बंद कीजिए। अरे परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण ही हम इंसानों के लिए किया है, ताकि हम यहाँ पे एक स्वस्थ जीवन व्यापित कर सके और परमात्मा की इस बनाई हुई सृष्टि का आनंद ले सके। और आइए हम सब प्रण लें कि अपने आसपास के वातावरण को दूषित नहीं करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, पेड़ पौधों को का...